काशी, मथुरा, दिल्ली, आगरा से लेकर मध्य प्रदेश के धार तक मंदिर मस्जिदों को लेकर काफी विवाद जारी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मुस्लिम आक्रताओं ने हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई थी, 60,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया था, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद भी बनवा दी गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम 1991 का हवाला दे रहे हैं। इसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म के उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। भारत में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। ऐसे में आज हम आपको भारत में मंदिर और मस्जिद की संख्या के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो देश में मौजूद धार्मिक स्थलों का कोई आधारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अलग अलग डाटा रिसर्च कंपनियों ने कुछ आंकड़े भी जरूर साझा किए हैं। ट्रैवल ट्रायंगल की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 96 करोड़ हिंदुओं की आबादी के बीच 20 लाख से ज़्यादा मंदिर है। इसमें ज़्यादा करीब 3 लाख मंदिर तमिलनाडु में हैं। मंदिरों की तरह मस्जिदों की संख्या को लेकर भी अब तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि डाटा रिसर्च कंपनियों के हवाले से कई दावे जरूर किए गए हैं। फंडिंग डाटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 7 लाख मस्जिदें मौजूद हैं। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।